एक दिन भगवान कृष्ण, जो अपने शरारती और चंचल स्वभाव के लिए जाने जाते थे, अपने दोस्तों चरवाहे लड़कों के साथ गोपियों को, जो उनकी प्रिय भक्त थी, यमुना नदी में स्नान करते हुए देखा। गोपियों ने जल में स्नान करते समय अपने वस्त्र नदी तट पर ही छोड़ दिए थे। कृष्ण को कुछ मासूम मनोरंजन का अवसर नजर आया। एक शरारती मुस्कान के साथ कृष्ण चुपचाप उस स्थान पर पहुँचे जहाँ गोपियों के कपड़े रखे हुए थे। उसने उनके साथ मजाक करने का फैसला किया। जैसे ही गोपियाँ नदी में डूबी हुई थी, कृष्ण तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गए और सावधानी से उनके कपड़े एकत्र किए। फिर उसने उन्हें पेड़ की शाखाओं में छिपा दिया। जब गोपियों ने स्नान समाप्त किया और नदी से बाहर आई, तो वे यह देखकर हैरान रह गई कि उनके कपड़े गायब थे। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने मदद के लिए कृष्ण को पुकारा, क्योंकि वह उनके प्रिय भगवान और मित्र थे। कृष्ण ने पेड़ पर छिपे अपने स्थान से उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। उन्होंने चंचलता पूर्वक गोपियों को चिढ़ाते हुए उनसे पूछा कि जब उन्होंने अपने कपड़े लावारिस छोड़ दिए हैं, तो वे अपनी शील के बारे में इतनी चिंतित क्यों हैं? उसने उनसे कहा कि वह उनके कपड़े तभी लौटाएगा जब वे पानी से बाहर आएंगे और व्यक्तिगत रूप से आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठाकर उसके पास आएंगे। गोपियाँ कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति के कारण उनकी चंचल शर्तों पर सहमत हो गई। सभी ने पानी छोड़ दिया, कृष्ण के सामने हाथ उठाकर खड़े हो गए और अपने कपड़े मांगने लगे। जवाब में कृष्ण ने उन पर अपनी दिव्य कृपा बरसाई और एक एक करके उनके कपड़े लौटा दिए। यह कहानी भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों के गहरे प्रेम और भक्ति को दर्शाती है। यह इस विचार का भी प्रतीक है कि व्यक्ति को अटूट विश्वास और भक्ति के साथ परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करना चाहिए। गोपियाँ व्यक्तिगत आत्माओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और कृष्ण सर्वोच्च दिव्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। कृष्ण द्वारा उनके कपड़े चुराने का कृत्य सांसारिक मोह और अहंकार को दूर करने, आत्मा को भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति की स्थिति में छोड़ने का प्रतीक है।